बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे कोंडागांव सिटी के बारे में। अगर आप भी कोंडागांव के हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोंडागांव बस्तर संभाग का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस शहर से होकर नेशनल हाईवे 30 गुजरती है, जो कि साउथ इंडिया के बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट करती है। हाईवे कोंडागांव से होकर जगदलपुर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भद्राचलम से होकर हैदराबाद जैसे बड़े शहर को कनेक्ट करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोंडागांव को सामान्य ज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है कि इसे शिल्प नगरी भी कहा जाता है। इसे झिटकू मिटू शिल्प कला केंद्र कहा जाता है। यह कोंडागांव में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शहर के बीचों बीच एक तालाब है, जिसे बंदा तालाब कहा जाता है, और तालाब के बाजू में एक गार्डन है जिसे बंदा तालाब गार्डन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको व्लॉग वीडियो के माध्यम से पूरा कोंडागांव शहर दिखलाऊंगा। अगर आप कोंडागांव शहर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन छोड़िएगा। कोंडागांव शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है केसकाल घाट, जिसे यहाँ की खूबसूरती का यह न्योता देता है, और इसे बस्तर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं जानकारी के मुताबिक बता दूं कि इसमें 12 मोड़ हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जानकारी के मुताबिक बता दूं कि कोंडागांव का पुराना नाम कोंडानार है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी रायपुर से कोंडागांव की दूरी 221 किलोमीटर है। शहर से गुजरती नेशनल हाईवे 30 पर एक फुट ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज को एक वर्ष पहले बनाया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace.